तो जी हाँ स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेट फोर के बारे में। जी हाँ, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है क्या है, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर कहता है कि एक्स अक्ष पर, जी हाँ एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2, -5 और -2, -9 से समदूरस्थ है। जी हाँ, तो हमें क्या करना है, एक्स अक्ष पर एक बिंदु निकालना है और वह बिंदु क्या होगा, वह बिंदु जो होगा बिंदुओं 2, -5 और -2, -9 से क्या होगा, समदूरस्थ। जी हाँ, समदूरस्थ होगा। तो स्टूडेंट उस बिंदु को हम लोग क्या मान लेंगे, उस बिंदु को हम लोग मान लेंगे x, 0, क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई का निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर वाई का निर्देशांक 0 होता है, इसलिए हम उस बिंदु को यहाँ पे क्या मान लिए हैं, x, 0 मान लिए हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख दिए कि माना कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या है, x, 0 है और ये बिंदु क्या है, 2, -5 और -2, 9 से क्या है, समदूरस्थ है। जी हाँ, क्या है, समदूरस्थ है। तो चलिए स्टूडेंट, तो देखिए, तो यहाँ से ये जो बिंदु P है, यहाँ से ये A का दूरी और यहाँ से ये B का दूरी क्या है, बराबर है, यानी कि AP बराबर क्या है, BP। जी हाँ, AP बराबर है BP। तो चलिए यहाँ से हम लोग दूरी सूत्र लगाएंगे और दूरी सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। और हम लोग के पास क्या है, AP = BP। स्टूडेंट अगर हम लोग दोनों साइड स्क्वायर लगा देंगे तो हमें फिर रूट लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जी हाँ, स्क्वायर लगा देंगे तो रूट लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तब उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो दूरी सूत्र लगाएंगे, ठीक है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये AP के लिए हो गया और BP के लिए क्या हो गया है, BP के लिए हो गया यहाँ पर x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है, a - b के होल स्क्वायर के जैसा है, तो इसको a - b के होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे, a² - 2ab + b², तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² - 4x + 4 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b², ठीक है, और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, +4 + 4 दोनों साइड से यहाँ पे कट जाएगा, उसके बाद x² भी दोनों साइड से कट जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग के पास क्या बचा, -4x और इधर +4x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -4x और यहाँ पर 81 है, उसमें देखिए +25 है, तो +25 में अगर +25 को इधर ले तो क्या हो जाएगा, -25, तो 81 में यहाँ पर 25 को घटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर -4x - 4x क्या हो जाएगा, -8x और 81 में से 25 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 56। ठीक है, तो अब उसके बाद यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 56 - 8 और 8 से यहाँ 56 को काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 7, और तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो यहाँ पर x = क्या आ गया, -7। जी हाँ, तो यानी कि वो जो बिंदु है x अक्ष पर वो आ गया -7, 0। जी हाँ, वो आ गया -7, 0। स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर टू को देखते हैं। कह रहा है कॉस ए बराबर 8/15 है, तो हमें साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो स्टूडेंट कॉस ए बराबर आपको दिया हुआ है 8/15, और कॉस क्या होता है बी बाई एच, ठीक है। तो बी बाई एच होता है, तो आपको बी बराबर यहाँ पे 8 के मिल गया, एच बराबर 15 के। के यहाँ पर एक क्या है, नियतांक है, चूँकि ये एक अनुपात है, तो अनुपात को बराबर करने के लिए यहाँ पर हम लोग नियतांक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जी हाँ, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी इक्वल टू, ठीक है। एच कितना है 15 के, बी कितना है 8 के। 15 के का स्क्वायर 225 के स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, और के स्क्वायर 225 में से 64 लेस करेंगे तो आ जाएगा 161। और 161 तो एक पूर्ण वर्ग है नहीं, तो इसका रूट नहीं निकलेगा, ये रह जाएगा रूट 161, और के स्क्वायर से के बाहर जाएगा, तो के स्क्वायर से के बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा के, ठीक है। तो पी इक्वल टू हम लोग के पास क्या आ गया, पी इक्वल टू हम लोग के पास आ गया के इंटू अंडर रूट 161। चलिए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और जो क्वेश्चन में कहा गया है उसको निकालते हैं। साइन क्या होता है पी वाई एच, पी कितना निकाले हम लोग, के इंटू रूट अंडर 167, और एच इक्वल टू क्या है 15 के। तो देखिए के कैंसिल हो गया, तो साइन ए इक्वल टू आ गया अंडर रूट 161 और बाई 15, ठीक है, अंडर रूट 161 बाई 15। से क्या होगा एच बाई बी, एच कितना है 15 के, बी कितना है 8 के, तो ये आ गया 15/8। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे, रुकना नहीं है भाई। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि टेन ए प्लस बी बराबर रूट थ्री है, और टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3 है, और ए प्लस बी का वैल्यू 0 से बड़ा और 90 के बराबर या उससे छोटा हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है ए बड़ा है बी से, तो हम लोग को यहाँ पर निकालना क्या है ए और बी का मान। देखिए स्टूडेंट टेन ए प्लस बी बराबर रूट थ्री है, तो यानी कि यहाँ पर जो ये ए प्लस बी है उसके जगह 60 डिग्री होना चाहिए, और यहाँ पर टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो यहाँ पर 1/√3 के जगह 30 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए, तो हम लोग यहाँ पर इक्वेशन क्रिएट कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट 60 डिग्री कब आएगा, मतलब रूट थ्री कब आएगा, जब ए प्लस बी का वैल्यू 60 डिग्री होगा। 1/√3 कब आएगा, जब ए माइनस बी का वैल्यू 30 डिग्री होगा। तो यानी कि यहाँ पर ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री और ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो यहाँ पर प्लस बी माइनस बी कट गया, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, और ए प्लस ए 2a, 60 + 30 90, तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो और ए प्लस बी बराबर कितना है हम लोग के पास, 60 है, ए बराबर 45 आया, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 - 45, यह आ जाएगा 15 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, चलिए तो ए और बी निकल गया। अब हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि माध्य बराबर 60 है, माध्यिका बराबर 50 है, तो बहुलक निकालना है। तो स्टूडेंट हम लोग संबंध क्या जानते हैं माध्यक बहुलक और माध्य के बीच में, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, 3 माध्यक, ठीक है, 3 माध्य, ठीक है, 3 माध्य करेंगे, ठीक है, 3 माध्य, ऊपर में भी हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर 3 माध्य, यहाँ पे क्या कर देंगे माध्यक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो 3 माध्य माइनस क्या, 2 माध्य, तो माध्य का वैल्यू कितना है 50, ठीक है, और ये माध्य कितना है 60, और बराबर बहुलक, ठीक है, तो 3 × 50 150, और 2 × 60 कितना आ जाएगा 120, ठीक है, 2 × 60 आ जाएगा 120, 150 से 120 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 30,
तो यहाँ पे बहुलक बराबर कितना हो जाएगा 30। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, पी ई नहीं, ठीक है, पी ई नहीं। हम देखिए हम लोगों को सवाल में क्या दिया हुआ है, पी ई 0.05 दिया हुआ है, और हम लोग को ई नहीं निकालना है। तो पी ई नहीं क्या होता है, 1 माइनस पी ई। तो यहाँ पे 1 माइनस पी ई का वैल्यू कितना है, 0.05, 1 से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.95। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए, यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर और कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो हमें उस शंकु का आयतन निकालना है जिसकी त्रिज्या दी हुई है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, और शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h, ठीक है, तो 1/3 πr² h। तो यहाँ पे जो कैंसिल है उसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है, 3 से काट दिए 6 को 2 टाइम्स में, और उसके बाद यहाँ पर सबको इंटू कर देंगे, तो यह आ जाएगा 2112/7, इसको डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा यहाँ पर 301.7 cm³। और स्टूडेंट यहाँ पर हम लोगों को क्या है, यहाँ पे हम लोगों को प्रूफ करना है भाई, प्रूफ करना है कि 10 48° × 10 45° × 10 42° = 1। तो ये हो गया LHS, ठीक है, LHS हो गया यहाँ पर। तो ये हो गया 10 48°, ये हो गया 10 45°, और 10 42° को हम लोग चेंज कर दिए cot 90° − 42°, तो ये आ गया cot 48°। और cot 48 के लिए क्या हो जाएगा, 1/10 48°। तो यहाँ से देखिए 10 48 कट जाएगा, और 10 45 का वैल्यू 1 होता है, तो यानी कि यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, 1 × 1 × 1 बचेगा, और फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 1, जो कि LHS के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। चलिए स्टूडेंट यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर को देखते हैं। 8 नंबर क्या कह रहा है, उस बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2.3 है और B का निर्देशांक 1.4 है। तो देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मध्य विभाजन सूत्र लगाएंगे, ठीक है, मध्य विभाजन सूत्र लगाएंगे, मध्य विभाजन सूत्र, क्योंकि केंद्र जो होता है वो यहाँ पर व्यास का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है, केंद्र जो होता है व्यास का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है, इसलिए हम लोग मध्य विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो मध्य विभाजन सूत्र क्या होता है, मध्य विभाजन सूत्र क्या होता है, यहाँ पर x के लिए क्या होता है, x2 + x1/2, और y के लिए क्या होता है, y2 + y1/2, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ये xy हो गया, और यहाँ पर ये हो गया x2 + x1/2, y2 + y1/2। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक बिंदु में हम लोग क्या ले लेंगे, x1 y1, और एक बिंदु में क्या ले लेंगे, x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पर x वाले वैल्यू के साथ बराबर करेंगे, y वाले वैल्यू के साथ बराबर करेंगे, ठीक है, x वाले वैल्यू के साथ बराबर करेंगे, y वाले वैल्यू के साथ बराबर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो x वाले वैल्यू के साथ बराबर कर दिए यहाँ पर हम लोग, और ये 2 से 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पर 1 + x = 4, x = 4 - 1 या ये 3, और ये 2 से -3 को इंटू कर दिए, -6 हो गया, और +4 को दूसरे साइड भेज दिए, -4 हो गया, -6 - 4 हो गया -10, ठीक है। अब देखिए तो बिंदु A का निर्देशांक क्या हो गया, 3, -10। अब यहाँ पे क्या कह रहा है स्टूडेंट, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, -1, 2, 1 और 4, 5 संरेखी है। तो संरेखी है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग संरेखी का मतलब क्या होता है, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर होते हैं तो उसे संरेखी कहते हैं। और संरेखी होने पर क्या होगा, संरेखी होने पर AB + BC जो है वो AC के क्या होगा, बराबर होगा, AB + BC जो है वो AC के बराबर होगा। तो
कि हम लोग पहले ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, और फिर जो है यहाँ पर, फिर हम लोग यहाँ पर ए सी निकालेंगे। ठीक है, ये सभी चीज़ को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। दूरी सूत्र क्या होगा, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। इसको रूट को सॉल्व कर लेंगे। देखिए सुनिए, आप लोग दूरी निकालना जानते हैं तो यह आएगा रूट फाइव, इसको दूरी निकालिएगा तो यह आएगा टू रूट फाइव। ठीक है, और यहाँ पर ए सी आएगा थ्री रूट फाइव। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी करेंगे। तो ए बी प्लस बी सी कितना रहा है, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी आ रहा है थ्री रूट फाइव, और इधर भी आ रहा है थ्री रूट फाइव। तो चूँकि ये बराबर आ रहा है इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये संरेखी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, ये भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे ड्राइंग आपको यहाँ पर बना हुआ मिल जा रहा है। ड्राइंग ये मीनार हो गया, और ये भूमि का एक बिंदु है जो मीनार से यहाँ पर 30 मीटर की दूरी पर है, और यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और हमें मीनार की ऊंचाई निकालना है, यानी पी निकालना है, और हम लोग को बी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, टेन, क्योंकि टेन क्या होता है, पी बाई बी, पी दिया, पी बी दिया हुआ है, पी निकालना है। ठीक है, तो पी हो गया यहाँ पे क्यू आर, बी हो गया यहाँ पर पी क्यू, और यहाँ पे टेन 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/√3, और ये हो गया क्यू आर बटा 30। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू आर इक्वल टू आएगा। ठीक है, क्यू आर इक्वल टू आएगा यहाँ पर 30/√3, और फिर हर का परिमेयकरण करेंगे, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से सॉल्व करके आ जाएगा, 3 से 30 को काटेंगे 10 आ जाएगा, तो क्यू आर बराबर आ जाएगा 10√3। तो मीनार की ऊंचाई हो गई 10√3 मीटर। ठीक है, अब चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हैं, तो हमें दिखाना है साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू। सबको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए दोनों तरफ दो से भाग देंगे, दोनों तरफ दो से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए बाई टू को अलग कर लिए हैं, अब बी प्लस सी को एक साथ रखे हैं, तो ए बाई टू प्लस बी सी, बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू 180/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए बाई टू। ठीक है, दोनों तरफ हम लोग साइन त्रिकोणमितीय अनुपात देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई टू। फॉर्मूलाइज करेंगे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, दिया जाएगा कॉस ए बाई टू, इधर हो जाएगा साइन बी प्लस सी बाई टू। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया स्टूडेंट। मैंने कहा रचना वाले के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, तो रचना के लिए अलग से वीडियो बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है कि एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से लेकर 90 तक अंकित है, 90 तक संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यदृच्छ निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या। तो 2 अंकों की संख्या कितनी होगी इसमें, तो 2 अंकों की संख्या इसमें होगी यहाँ पर 81, क्योंकि 9 संख्या ऐसी होगी जो 1 अंक की होगी, तो उसको 90 से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 81 संख्याएं ऐसी होंगी जो 2 अंक की होंगी। ठीक है, और यहाँ पर कुल अनुकूल परिणाम की संख्या 81, कुल संभव परिणामों की संख्या यहाँ पर 90, तो प्रायिकता होगी अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या, तो 81/90 इसको काट के कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 9/10। ठीक है, उसके बाद एक पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग क्या होगा, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81। ठीक है, तो यहाँ पर कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 90,
कुल अनुकूल परिणाम कुल संभव परिणामों की संख्या 90, और प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो ये कितना आ गया 1/10। ठीक है, आगे संख्या आगे कर काम करेंगे। 5 से विभाजित संख्या, तो 5 से विभाजित कौन कौन होगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 करते करते 90 तक होगा। तो इस तरह हमें टोटल 18 संख्याएं मिलेंगी। ठीक है, तो कुल परिणामों की संख्या तो 90 है, अनुकूल परिणाम 18 है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 18/90, इसको काटेंगे तो क्या आएगा 1/5। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। तो हमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो देखिए स्टूडेंट ये मीनार हो गया, सरल रेखा में 2 बिंदु है, एक 4 मीटर पर है, ठीक है, एक 4 मीटर पर है और एक बिंदु 9 मीटर पर है, और एक कोण को हमने थीटा मान लिए हैं जो कि दोनों पूरक है, तो दूसरा कोण क्या होगा 90° - θ। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर त्रिभुज जो है हम लोग यहाँ पर PQS में काम करेंगे, और tan θ क्या होता है P/B, तो P हो गया PQ और B हो गया यहाँ पर QS, तो tan θ क्या होता है cot θ, PS और BQS कितना है 9। फिर हम लोग दूसरे त्रिभुज में चलेंगे, दूसरा त्रिभुज हम लोग का रहेगा इस बार, ठीक है, कौन सा वो हम लोग का रहेगा, ठीक है, वो रहेगा PQR, उसमें हम लोग क्या करेंगे tan θ निकालेंगे, tan θ P/B, पी हो गया PQ, बी हो गया 4। ठीक है, अब हम लोग दो इक्वेशन जो बनाए हैं, एक इक्वेशन ये cot θ = PQ/9 और tan θ = PQ/4। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों समीकरण को, तो cot θ × tan θ = PQ/9 × PQ/4। तो यहाँ पे tan θ के बदले हम लिख देंगे 1/cot θ, cot θ से cot θ कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा PQ = आ जाएगा √36, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटा देंगे और 36 को इधर भेज देंगे, तो 36 का रूट क्या आ जाएगा 6, तो इसलिए मीनार की ऊंचाई क्या हो गई 6 मीटर। यहाँ पे सवाल क्या स्टूडेंट, कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट ये इसके लिए ड्राइंग है, दोनों साइड से एक आधा गोला निकाल लिया गया है, तो आयतन पूरा आयतन क्या होगा, पूरे बेलन में से इन दोनों आधे गोले के आयतन को क्या कर देंगे माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आयतन नहीं निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसमें हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस यहाँ पे दोनों अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का होगा 2πRH और एक अर्धगोले का होगा 2πR², इसलिए दो के लिए होगा 2×2πR², 2πR कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा H+2R, 2×22/7 पाई का वैल्यू R 3.5, H हो गया 10, 2×3.5 7 और 7 से 3.5 को काटेंगे 0.5 और यहाँ पर हम लोग इंटू करके यहाँ पे इस तरह से 2×11 लाएंगे, फिर 10×7 और इन सब को मल्टीप्लाई करके हम लोग का आएगा 374 cm². ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, एक ठोस में ऊंचाई 120 cm और त्रिज्या 60 cm वाले एक शंकु सम्मिलित है जो 60 cm त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार डाला जाता है कि यह बेलन की तली के स्पर्श करे। यदि यहाँ पर बेलन की त्रिज्या 60 cm है, ऊंचाई 180 है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिए, तो हम लोग यहाँ पर देखिए, तो बेलन के आयतन में से इस ठोस के आयतन को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो जितना पानी बचेगा उसका आयतन आ जाएगा। ठीक है, ये ड्राइंग हो गया,
अब देखिए यहाँ पे बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 180 सेंटीमीटर, और शंकु की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अर्धगोले की त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर, तो हम लोग को क्या करना बचे, पानी का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन माइनस अर्धगोला प्लस जो शंकु है उसका आयतन। तो अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे, सब में से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा एच वन माइनस टू बाई थ्री आर माइनस वन बाई थ्री एच टू, 22/7 60 × 60 आर का वैल्यू, यहाँ पर एच वन 60 है, 2 × r का वैल्यू 1/3 × h2 का वैल्यू, ठीक है। तो 3 से 60 काटेंगे 20 टाइम्स में, 3 से काटेंगे 120 40 टाइम्स में, और उसके बाद यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर 40 माइनस 40, यहाँ पे माइनस 40, तो माइनस 80 हो गया, 100 माइनस 80 तो हो गया 100, और उसके बाद फिर हम लोग इसको ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1.131 मीटर क्यूब। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है कि आंकड़ों का माध्य 62.8 है, तब अज्ञात बारंबारता निकालनी है, ठीक है। तो चलिए देखिए अज्ञात बारंबारता कैसे निकालेंगे, देखिए पहले माध्य के लिए जो टेबल बनता है वो टेबल बना लेंगे, वर्ग अंतराल बारंबारता वर्ग चिन्ह एफ आई एक्स आई, ये क्वेश्चन से भर देंगे, ये भी क्वेश्चन से भरेंगे, वर्ग चिन्ह निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, दो से भाग देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे दो से भाग देंगे, तो यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे अब देखिए कितना का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है, तो सब में 20 का डिफरेंस बढ़ाएंगे, 10 + 20 = 30 = 50 = 70 = 90 = 110, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके तीसरे वाले कॉलम में भर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे सब आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इन सब को ऐड कर देंगे, ये जो टेबल में देख रहे हैं आप सेकेंड वाला कॉलम, यहाँ पर सबको ऐड कर देंगे, तो ये 40 + x हो जाएगा, ये आएगा 2640 + 50x। अब देखिए माध्य का फॉर्मूला, सिग्मा एफ आई एक्स आई भर दिए, सिग्मा एफ आई 40 + x, और ये माध्य दिया हुआ 62.8, माध्य का जगह बैठा देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 2600, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 2640 + 50x = 62.8 × 40 + x, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, तो ये नीचे आ जाएगा 2512 + 62x। अब हम लोग क्या करेंगे कि x वाले को x एक तरफ कर लेंगे और बिना x वाले को एक तरफ कर लेंगे, दोनों साइड से माइनस यहाँ पे घटा देंगे, यहाँ पर भी घटा देंगे, दोनों साइड से माइनस काट देंगे, और फिर हम लोग का एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा 128 बाई 12.8, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स बराबर 10। अब यहाँ पे क्या करना है, आंकड़े का यहाँ पे निकालना है माध्य का, ठीक है। तो कॉलम बना लेंगे, वर्ग अंतराल बारंबारता संचय बारंबारता, क्वेश्चन से भर देंगे, क्वेश्चन से भर देंगे, इसके बाद यहाँ पे 8 में 10 जोड़ेंगे 18 में 16 जोड़ेंगे 34 में 24 जोड़ेंगे 58 में 15 जोड़ेंगे 73 में 7 जोड़ेंगे 80, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पर n कितना है, टोटल 80 है, तो पहले n बाई टू निकाल लेंगे, यानी कि 80/2 निकाल लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 40, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग का माध्यक बार हो जाएगा 24 से 32, ठीक है। एल तो एल हो जाएगा कितना 24, निम्न सीमा बहुलक वर्ग की, एन बाई टू कितना है 40, सी एफ कितना है 34 है, एफ कितना है 24 है, बहुलक माध्यक वर्ग की बारंबारता है, और एच कितना, कितना का डिफरेंस है, सब में 8 का डिफरेंस है, ठीक है।
अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद 34 को घटा देंगे 40 से, 6 आएगा और डिवाइडेड बाय कितना है 24 है, 24 को यहाँ पर 4 से काटेंगे 2 टाइम्स में यहाँ, ठीक है। उससे पहले हम लोग 6 से 24 काटे हुए हैं 4 बार में, 4 से फिर 8 को काटे 2 टाइम्स में, तो यहाँ पर लोगों का क्या बच गया 2, 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा 26, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने सेट 4 कंप्लीट किया। अगले वीडियो में मिलते हैं।